नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किक्स फॉर आईटी चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको फार्मा का एनल्जेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा। एनल्जेसिक वो ड्रग्स जो कि प्रोवाइड कराती हैं रिलीफ पेन से बाई सेंटर ऑफ पेरिफेरल मैकेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एज ओपियोइड। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिनको हम लोग नॉन नार्कोटिक, नॉन ओपियोइड और एस्पिरिन लाइक ड्रग भी बोलते हैं, और ओपियोइड ड्रग को हम लोग मॉर्फिन लाइक ड्रग भी बोलते हैं। यूज इन मिल्ड टू मॉडरेट टाइप ऑफ पेन। ओपियोइड इज यूज इन मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ पेन। इट एक्ट बाई पेरिफेरल मैकेनिज्म, इट एक्ट बाई सेंट्रल मैकेनिज्म। डज नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस, वाइल ओपियोइड प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस। क्लासिफिकेशन बात करें NSAIDs की, सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें आप एस्पिरिन, आइबुप्रोफीन, इंडोमिथासिन, कीटोप्रोफीन, किटारोलैक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रिफ्रेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर, जिसमें मेलोक्सिकेम, नाइमल सुलाइड, डेक्लोफिनेक लिखते हैं। फिर बात करें सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर, जिसमें इटोरिकॉक्सिब, पेरकॉक्सिब, सिल्कॉक्सिब आता है। एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जिसमें मेटामिजोल, नेफोपैम, पैरासिटामोल आता है। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो जो हमारा क्या कहते हैं ये इन एनाल्जेसिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। कैसे, मैं बताता हूँ डिटेल में। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड इन द दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज विच इज एक्टिवेटेड बाई केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलेंट गेट कन्वर्टेड इन टू एराकोडोनिक एसिड। और यही एराकोडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स में अगर कन्वर्ट हो गए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन कराता है। अब ये अगर आप एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये इनिबिट करेगा एनाल्जेसिक। कैसे, आरकोनोडिक एसिड बाय इनिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज। अब आरकोनोडिक एसिड तो हमारा बन गया, अगर एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज नहीं है तो आरकोनोडिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन में नहीं कन्वर्ट होगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। क्लिनिकल यूज ऑफ NSAIDs। NSAIDs का कहाँ यूज होता है, ये हमारे जितने भी दर्द होते हैं जैसे टूथएक, हेडेक, बैक एक होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। एनाल्जेसिक की तरह काम आते हैं, एंटीबायोटिक में काम आते हैं, एक्यूट रूमेटॉइड फीवर में काम आते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आते हैं, ऑस्टियोअर्थराइटिस में काम आते हैं, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में लो डोज ऑफ एस्पिरिन यूज़ होता है। अब बात करें अगर लेस स्टेबलाइज यूज ऑफ NSAIDs की, तो सबसे पहले प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड प्री एक्लेम्सिया में, डॉक्टर्स पेशेंट डॉक्टर्स आर्टेरियोसिस, एस्पिरिन कैन ब्रिंग अबाउट क्लोजर एंड अवॉइड सर्जरी एंड प्रिवेंशन ऑफ कोलोन कैंसर, फैमिलियल कॉलोनिक पॉलीपोसिस में काम आ सकता है। साइड इफेक्ट ऑफ NSAIDs की बात करें तो सबसे पहले GIT में बात करते हैं। GIT में एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। CNS में सबसे इंपॉर्टेंट टिनिटस, मतलब रिंगिंग ऑफ ईयर, डिजीनेस, वर्टिगो कॉज कर सकता है। इट ऑल्सो कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इट कॉज हेपेटिक, इट कॉज लीवर, लीवर डिसफंक्शन, रेनल इंसफिशेंसी, रेनल फेलियर, पल्मोनरी साइड इफेक्ट में अस्थमा भी कॉज कर सकता है ये, हाइपर टेंशन, रेनल फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपर टेंशन एक्सेट्रा आर द साइड इफेक्ट ऑफ NSAIDs। एंड बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड प्रिकॉशन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन सबसे पहले क्या है, शुड नॉट बी गिवन इन पेप्टिक अल्सर। सेकेंड, इट शुड नॉट बी गिवन इन अ पेशेंट विद ब्लीडिंग टेंडेंसी या हेमोफिलिया में। ये इट शुड नॉट बी गिवन टू द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम पॉक्स वायरस या इन्फ्लुएंजा, ठीक है, या इन्फ्लुएंजा ड्यू टू द रिस्क ऑफ रेस सिंड्रोम, इट इज अ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग लीवर डिजीज। इट शुड नॉट, इट शुड बी स्टॉप वन 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 वीक बिफोर एलेक्टिव सर्जरी। इट शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिकॉज इफ गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कॉज लो बर्थ वेट बेबीज, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डॉक्टर्स आर्टेरियोसिस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एस्पिरिन की। इट इज केमिकली एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड, अ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, एज इट इज यूज एज एंटी प्लेटलेट एजेंट इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एज वेल एज स्ट्रोक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही
प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिट करता है, इट इनिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनिबिटिंग एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, क्योंकि एस्पिरिन हमारा NSAIDs है और जितने भी NSAIDs का मैकेनिज्म एक्शन है सबका सेम है। डोसेज रेजिमेन की बात करें तो यहाँ पे तीन होते हैं, एक हमारा एनाल्जेसिक एक्शन में होता है, एक एंटी इन्फ्लामेटरी में होता है, एक एंटी प्लेटिलेट। एनाल्जेसिक में हमारा क्या होता है, 2 to 3 mg पर डे देते हैं डिवाइडेड डोज में। अगर एंटी इन्फ्लामेटरी डोज दे रहे हैं तो 4 to 6 mg इन डिवाइडेड डोज। अगर हमारा एंटी प्लेटिलेट एक्शन में दे रहे हैं, एंटी प्लेटिलेट के तौर पे दे रहे हैं तो 50 से 325 mg पर डे दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो मैंने आपको सिमिलर टू NSAIDs, जितने भी NSAIDs के फार्माकोलॉजिकल एक्शन अभी बताएं वो सब सेम है, एडवर्स इफेक्ट भी इसका सेम है। बात करें पैरासिटामोल की, ये क्या है, पैरा एमिनोफेनॉल डेरिवेटिव है, हैज पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटीबायोटिक, हैज पोटेंट एनाल्जेसिक एज वेल एंटीबायोटिक इफेक्ट विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। यूजफुल कहाँ पे होता है पेशेंट में, क्या कहते हैं, हु शुड अवॉइड एस्पिरिन ड्यू टू ब्लीडिंग टेंडेंसी, एलर्जी एज वेल एज गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, क्योंकि पैरासिटामोल भी हमारा NSAIDs में आता है और मैंने आपको बताया था किस में आता है, ये एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के अंदर आता है, जिसमें मैंने आपको पैरासिटामोल, मेटामिजोल एज वेल एज नेफोपैम बताया था, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी सेम रहेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आप वही बात करें वो उनका सेम रहता है। यूजेस, यूजेस भी आप जो मैंने आपको बताया वो भी लिख सकते हैं और साथ में आप यूज करें फेब्राइल कंडीशन, मस्कोस्केलेटल पेन, हेडेक, टूथएक्स, ये भी ऐड कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट, स्किन रैशेस, एलर्जी, अगर आप ओवर डोज में दे रहे हैं, लॉन्ग ओवर डोज मतलब एक्यूट डोज पे दे रहे हैं तो क्या कहते हैं, इट मे कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, क्रोनिक रेनल डैमेज मतलब किडनी का डिजीज हो सकता है लॉन्ग टर्म यूज पे, एक्यूट डोज पे हेपेटोटॉक्सिसिटी, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एक्यूट पैरासिटामोल पॉइजनिंग की, एक्यूट ओवर डोज क्या कहते हैं ऑफ पैरासिटामोल कॉजेज हेपेटोटॉक्सिसिटी, सिम्टम्स आर नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, ठीक है। डेथ किसकी वजह से होता है, डेथ इज ड्यू टू हेपेटिक नेक्रोसिस, हेपेटोक्सिसिटी डेवलप 24 to 48 hours आफ्टर क्या कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है। लीवर फेलियर बिकम अपेरेंट इन 72 to 96 hours तक के अंदर। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने ऊपर नीचे लिखा है तो आपको मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है गैस्ट्रिक लेवेज देना कराना है, मतलब उल्टी करानी है, ठीक है पेशेंट को। फिर उसके बाद इंड्यूस वॉमिटिंग सेकेंड स्टेप, फिर तीसरा स्टेप है आपको चारकोल देना पड़ेगा, एक्टिवेटेड चारकोल, ताकि जितना भी अनएब्जॉर्ब ड्रग है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अनएब्जॉर्ब मतलब पैरासिटामोल जितना भी अनएब्जॉर्ब है वो उसको एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब कर सके। फिर उसके बाद देना है एनएस्टाइल सिस्टीन, क्योंकि यह प्रिवेंट करता है द कन्वर्जन ऑफ पैरासिटामोल टू एन स्टाइल बेंजोक्यूनिन एंड रिप्लेनिश ग्लूटाथियोन स्टोर्स एज वेल एज प्रोटेक्ट लीवर सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देना है मिथियोनिन, फिर उसके बाद लास्ट में आपको देना है कैल्सी ट्रायल। अब बात करते हैं दोस्तों मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की, जो कि मेरा लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन पढ़ाया था उसमें मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया छूट गया था, तो ये उसका पार्ट मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक सीवियर रिएक्शन है जो कि डेवलप होती है बाय द वोलेटाइल यूज ऑफ एनेस्थीसिया या सक्सिनाइल कोलिन और उन पेशेंट में वो आर सक्सेप्टेबल डेवलप्ड इज ड्यू टू द राइनोडीन रिसेप्टर जीन। ट्रीटमेंट क्या होता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ब्रीदिंग में क्या आपको सप्लाई कराना पड़ेगा ऑक्सीजन, कंटिन्यूस सप्लाई कराएंगे ऑक्सीजन का, और सर्कुलेशन में क्या कराएंगे इंटरवेनस फ्लूड देना पड़ेगा, और एंटीडोट में क्या होगा, एंटीडोट में इंटरवेनस इंजेक्शन देना पड़ेगा डेंटोलिन का। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है, इट इज अ सीवियर रिएक्शन अकर्ड क्या कहते हैं बाय द यूज ऑफ वोलेटाइल एनेस्थीसिया एज वेल एज सक्सिनाइल कोलिन इन द पेशेंट हु आर ससेप्टेबल, द ससेप्टेबिलिटी इज ड्यू टू द राइनोडीन रिसेप्टर जीन। ट्रीटमेंट एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, इन ब्रीदिंग बाय सप्लाइंग कॉन्स्टेंट ऑक्सीजन, सर्कुलेशन बाय प्रोवाइडिंग इंटरवेनस फ्लूड्स, एंटीडोट इंटरवेनस एंडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेंटोल। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।